एससीपी क्रिएचर्स के बारे में सुनते ही हमारे मन में एक डरावना ख्याल आने लगता है और ऐसा स्वाभाविक है क्योंकि एससीपी क्रिएचर्स होते ही खतरनाक है। लेकिन कभी कभी खतरनाक होने के बावजूद कुछ एससीपी फाउंडेशन की हेल्प कर जाते हैं और उसी की कहानी मैं आज बयां करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मैं स्कैरी रूपक आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो कि इंटरेस्टिंग तो है ही और साथ ही साथ एससीपी क्रिएचर्स कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं ये भी अच्छे से बताती है। कहानी की शुरुआत होती है 5 जनवरी 2012 में। डॉक्टर बेनन जो कि एससीपी फाउंडेशन के लिए काम करते हैं वो एक सुहानी सुबह को अपने घर से ऑफिस की ओर बढ़ते हैं और जाते जाते अपने 12 साल के बेटे के बर्थडे वीडियो देखते हुए मुस्कुराकर ड्राइविंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये जरूरी भी था क्योंकि आज का दिन डॉक्टर बेनन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि आज ही के दिन SCP-106 को अपने कंटेनमेंट सेल से खोला जाने वाला था। ये सुनते ही आप सोचोगे कि फाउंडेशन वाले भला ऐसा क्यों करेंगे, एक डेंजरस क्रिएचर का कंटेनमेंट सेल खोलना भला कहाँ की समझदारी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि SCP-106 के पास एक अनोखी खूबी है, वो दीवार के या कोई भी सॉलिड मटेरियल के आर पार जा सकता है अपने पॉकेट डायमेंशन से, यानी कि एक ऐसा रास्ता जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सकता है। पॉकेट डायमेंशन के फॉर्मूला को क्रैक करना हमारे मॉडर्न साइंस के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता था। SCP-106 को फर्स्ट टाइम कैसे कंटेन किया गया और उसने कैसे फाउंडेशन को नाको तले चने चबवा दिए, ये जानने के लिए आप मेरे SCP-106 पर बनाए हुए वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। डॉक्टर बेनन और उनके साथ 6 सिक्योरिटी मेंबर्स SCP-106 के कंटेनमेंट सेल की ओर बढ़ते हैं। कंटेनमेंट सेल में जाने के लिए सभी मेंबर्स की बायोमेट्रिक्स और साथ ही साथ एक स्पेशल की कार्ड का एक्सेस होना जरूरी था क्योंकि SCP-106 किसी भी सॉलिड मटेरियल की आर पार जा सकता था, इसीलिए उसे 7 लेयर्स की लिक्विड से भरी हुई मेटल दीवारों के बीच में रखा गया क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लिक्विड में SCP-106 का स्पीड स्लो हो जाता है, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। आगे बढ़ते बढ़ते सभी कंटेनमेंट सेल के आखिरी दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और सबकी धड़कनें बढ़ जाती है क्योंकि अब उनके बीच और SCP-106 के बीच बस एक दीवार का फासला था। और घबराते घबराते सभी अपने बायोमेट्रिक्स और की कार्ड स्कैन कर देते हैं और डॉक्टर बेनन आखिरी शख्स बचते हैं की कार्ड स्कैन करने के लिए। डॉक्टर बेनन के कपकपाते हाथ देखकर सबकी धड़कनें और तेज हो जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है सारे गार्ड्स बंदूक लेकर तैयार हो जाते हैं और साथ ही साथ एक तेज टॉर्च, क्योंकि SCP-106 तेज रोशनी से रुक जाता है। सभी धीरे धीरे उस अंधेरे कमरे में बढ़ते हैं और एक कोने में वो देखते हैं एक बूढ़ा सड़ा हुआ आदमी जो कि था SCP-106। SCP-106 तीन महीने तक हाइबरनेशन में चला जाता है, यानी कि मानो वो 3 महीनों तक सोता ही रहता है और फिर 3 महीनों बाद वो उठता है अपना शिकार करने के लिए। और जब डॉक्टर बेनन और उनके साथी कंटेनमेंट सेल में पहुंचे तब SCP-106 हाइबरनेशन पीरियड में ही था। सब लोग फटाफट काम में जुट गए और सैंपल्स कलेक्ट करने लगे और डॉक्टर बेनन जब तक सारे सैंपल्स कलेक्ट नहीं कर लिए गए तब तक SCP-106 के चेहरे पर टॉर्च मारते रहे ताकि वो उठ ना जाए और हमला ना कर दे। सारे सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए बिना किसी परेशानी के और सारे सेफली बाहर आ गए कमरे के। अब बारी थी कमरों के दरवाजे बंद करने की, क्योंकि कमरों के दरवाजे ऑटोमेटिक थे तो उन्हें बस एक बटन दबाना था दरवाजा बंद करने के लिए। डॉक्टर बेनन ने बटन दबाया, दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा और अचानक पावर सप्लाई कट हो गई और दरवाजे पे कंट्रोल न होने के कारण दरवाजा बहुत ही जोर से बंद हो गया और पूरे कमरे में दरवाजा बंद होने की आवाज गूंजने लगी। तभी छत पर से जमीन पर पानी गिरता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो पानी नहीं बल्कि SCP-106 का पॉकेट डायमेंशन से निकला हुआ लिक्विड है। और जब तक उन्हें ये पता चलता उनका एक साथी गायब हो चुका था। सभी के बीच खौफ का मंजर था। तभी डॉक्टर मेनन जोर से चिल्लाते हैं, कमरे से भागो। गार्ड्स को जहाँ जहाँ SCP-106 के होने का शक होता था गार्ड्स फायरिंग करना चालू कर देते थे।
डॉक्टर बैनन को भी भागते भागते गोलियों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन धीरे धीरे गोलियों की आवाज आना बंद हो जाती है। इसका यही एक मतलब था कि सारे गार्ड्स को मार दिया गया है। SCP-106 अब डॉक्टर बैनन की ओर बढ़ता है और डॉक्टर बैनन को अपने आसपास किसी के होने का एहसास हो जाता है। डॉक्टर बैनन मन में यही सोचते हैं कि मेरा समय अब आ गया है, लेकिन तभी पावर सप्लाई फिर से आ जाती है और SCP-106 डॉक्टर बैनन के सामने होता है, लाइट के कारण थमा हुआ, और गार्ड्स को तुरंत बुलाया जाता है और डॉक्टर बैनन की जान बचा ली जाती है। तभी SCP-106 फिर से जाग जाता है और अपने हाथ से एक गार्ड को छू लेता है, और छूते ही उस गार्ड का हाथ सड़ने लगता है। SCP-106 एक पॉकेट डायमेंशन खोलता है और उस गार्ड को अपने साथ कंटेनमेंट सेल में ले जाता है। घटना से ये साबित हो गया कि SCP-106 को अगर अच्छे से कंटेन नहीं किया गया तो SCP फाउंडेशन के मेंबर्स का यूं ही दर्दनाक मौत होते रहेगा। अरे यो, अभी आप एक छोटा सा प्रमोशन करना चाहूंगा। जैसा मैं जानता हूँ कि आपको गेमिंग का बहुत चौक है, तो कैसा रहेगा अगर आप गेम खेल खेल के बहुत पैसे कमाओगे? ये एक ऐसा गेम है जिसे खेलने के साथ आप अर्निंग भी कर सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि आज इसी गेम ने मुझे स्पॉन्सर किया है। पैसे तो आज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे आप द एविएटर गेम खेल के कमा सकते हैं पैसे। गेम का इंटरफेस तो काफी कमाल का है, और यहाँ पर मैंने लगाया है ₹1000 का बेट। अरे यार, ये तो ऊपर जा रहा है, और वाह, ₹2100 का प्रॉफिट। पैसे, चलो अभी 5000 लगा के देखता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। अरे वाह, ये भी ऊपर जा रहा है, अरे बाप रे, ओ भाई, और यहाँ भी मैंने कमा लिया है ₹10000 का प्रॉफिट। पैसे, आप भी खेलिए एविएटर गेम, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा फोरा बेट के वेबसाइट पर। तो यहाँ पर हम कैसीनो पे क्लिक करेंगे, फिर ऑल गेम्स पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं एविएटर, और यहाँ से हम कर लेंगे डाउनलोड। आप इजीली पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं थ्रू UPI, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें और वाइजली और रिस्पॉन्सिबली खेले। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये गेम सिर्फ 18+ लोगों के लिए ही है, तो ध्यान से, ठीक है ना? चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कंटेनमेंट, the action of keeping something harmful under control or within its limits. It is something that has always been quite effective in stopping me from administering my cure to all of those who so desperately need it. Until now. SCP फाउंडेशन के एक और अनजान कंटेनमेंट एरिया के सेल से SCP-049 को ऑब्जर्वेशन एरिया में हथकड़ी पहनाकर ले जाया जाता है, जहां पर ऑब्जर्वेशन एरिया के दूसरी ओर डॉक्टर ब्लैक बेसब्री से SCP-049 का इंतजार कर रहे होते हैं। SCP-049 को देखते ही डॉक्टर ब्लैक SCP-106 के कंटेनमेंट ब्रिज के बारे में बताते हैं और SCP-049 से पूछते हैं, क्या तुम हमारी SCP-106 को पकड़ने में मदद करोगे? जिसके जवाब में SCP-049 कहता है, मैं मदद करूंगा अगर तुम मुझे जिंदा सब्जेक्ट्स दोगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर भला SCP-049 को क्यों चुना गया SCP-106 को पकड़ने के लिए। तो इसके लिए आपको SCP-049 के इतिहास से पर्दा हटाना होगा। SCP-049 को ब्लैक डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस SCP को लगता है कि हम इंसानों में एक वायरस है जो कि हम पूरे यूनिवर्स में फैला रहे हैं, और ये SCP हमें ये करने से रोकने आया है। SCP-049 को ना ही गोलियों से फर्क पड़ता है और ना ही किसी हथियार से। SCP-049 जिसको भी छू लेता है तुरंत उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं करता है, क्योंकि SCP-049 को लगातार जिंदा सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जिंदा जानवरों के तौर पर या D-class पर्सनल।
टी क्लास पर्सनल वो लोग होते हैं जिनको गवर्नमेंट से मौत की सजा सुना दी जाती है। लेकिन एसएपी 049 को जिंदा सब्जेक्ट मिलना बंद हो गया था क्योंकि एसएपी 049 ने दो डॉक्टर्स को सब्जेक्ट मिलने के बावजूद मार दिया। इसीलिए एसएपी 049 ने एसएपी 106 को पकड़ने के लिए जिंदा सब्जेक्ट्स की मांग की। एसएपी 049 को 4-5 जिंदा सब्जेक्ट्स दिए गए। उन पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद एसएपी 049 कहता है परफेक्ट, और सब्जेक्ट्स की हालत कुछ अजीबोगरीब होती है। उनके सारे अंग उल्टे फुल्टे जगह पर लगे थे और इन सब्जेक्ट्स को एससीपी 049 हथियार के तौर पर यूज करने वाला था एससीपी 106 को पकड़ने के लिए। अगले वीडियो में हम एक महायुद्ध देखेंगे इन दोनों शक्तिशाली एससीपीज के बीच। और बेशक जब दो इतने ताकतवर और सुपर पावरफुल एससीपीज के बीच जब एक वॉर होने वाला है तो डेफिनेटली आपके मन में काफी सारे डाउट्स घूम रहे होंगे। मैं एक स्पॉइलर दे देता हूँ, इसमें हो सकता है कि आपको हॉलीवुड लेवल का फाइट देखने मिले और हो सकता है कि दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाए। पर क्या ऐसा सच में होने वाला है वो तो आपको पार्ट 2 में ही पता चलेगा। तो फटाक से कमेंट में लिखे पार्ट 2, जितना ज्यादा कमेंट्स उतनी जल्दी वीडियो आएगी।